तो दोस्तों आज हमारे पास आईटेल का विजन वन मॉडल है L6502। तो इसको आज हम FRP बाईपास करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्ट करना है इसको, और यहाँ पर ये टॉकबैक भी ऑप्शन नहीं वर्क करता, तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करना है और इमरजेंसी इस पर डबल क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट पर जाना है, कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है, जस्ट वंस पर क्लिक करना है, अलाउ करना है आपको दो बार। तो दोस्तों इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हम कोई भी एक ब्लैंक सिम कार्ड इसमें डालेंगे कि जिसमें सिम में कॉन्टैक्ट सेव होना चाहिए। सिम कार्ड अगर चालू रहेगा बंद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं एक जियो का सिम कार्ड डाल देता हूँ जिसमें कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, एक ब्लैंक सिम कार्ड मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो दोस्तों ये FRP बाईपास करने के लिए आपको किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक नॉर्मल सी सेटिंग है, वो करने के बाद आपका FRP अनलॉक हो जाएगा। तो हमने हमारा सिम डाल दिया है। तो फिर से हम एक बार ट्राई करेंगे। फिर भी कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहे, एक दो मिनट लगेगा इसको कॉन्टैक्ट अपडेट होने में। तो यहाँ पर जस्ट वंस ही करना है। और तो ये देखिए हमारे कॉन्टैक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम जियो डिलीवरी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे करना है हमको एक बार, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करेंगे, जस्ट वंस करेंगे। अब यहाँ पर हमें कोने में जाना है, इसमें साइट में शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। अब जीमेल पर हमें क्लिक करना है, ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जीमेल पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, तो यहाँ से हम परमिशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक के ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर हमें सेटिंग को सर्च करना है। तो यहाँ पर सेटिंग्स को आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में सिक्योरिटी ऑप्शन पर आपको आना है, उसके बाद स्क्रीन पिनिंग पर आपको क्लिक करना है और ये ऑप्शन को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर लॉक डिवाइस पर क्लिक करना है, पैटर्न हमें कौन सा भी एक सिंपल सा पैटर्न रखना है, यहाँ पर कंफर्म करना है इसको। इसको हमें स्किप भी कर सकते हैं, बैक लेना है, इसको भी बैक लेना है हमें। तो ये देखिए दोस्तों हमारा काम तो इधर हो चुका है, अब हमें सिर्फ बैक लेना है, दूसरा कोई नहीं काम करना। तो हम फिर से होम पर आ चुके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। डोंट कॉपी करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो स्क्रीन लॉक रखा था वही स्क्रीन लॉक हमें यहाँ पर ही डालना है, तो हमारा FRP बाईपास हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन आ चुका है और हमारा FRP सक्सेसफुली बाईपास हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो समझने में दिक्कत आती है, या हमारे चैनल पर की वीडियो आपको कैसे लगते हैं, इस पर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे वीडियो में सुधार करना
पढ़ सकता है। अगर आपकी कोई राय रहेगी तो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, तो यहाँ पर हम स्किप करेंगे। तो दोस्तों यह जो एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं अपना काम होने के बाद, ना ही कोई कमेंट करते हैं ना ही कोई लाइक करते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत लोग कंजूसी करते हैं। अगर आपका काम सच में हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा क्रेडिट दीजिए, देना चाहिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते तो लाइक तो कर देना चाहिए कम से कम। तो ये देखिए हमारा फ़ोन सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। थैंक यू।